तो चलिए आज बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 सबसे बड़ी योजनाओं के बारे में, जिन्हें मोदी की गारंटी भी कहा जाता है। दरअसल जैसे जैसे देश में लोकसभा का चुनाव पास आ रहा है, मोदी की गारंटी की चर्चा तेज हो रही है। खुद पीएम मोदी भी बार बार अपने संबोधनों में मोदी की गारंटी का इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं के लहजे में कहे तो इन शब्दों के जरिए वह देश के अलग अलग तबके के लोगों के लिए कुछ करने, उन्हें कुछ देने के लिए प्रेरित भी करते हैं। फिलहाल मौजूदा समय में सरकार द्वारा शुरू की गई कई योजना है जिन्हें मोदी की गारंटी से जोड़कर देखा जा रहा है। बहुत से लोग यह भी मानते हैं कि इनमें से कुछ योजना खुद मोदी के आगामी चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकती है। जैसे कि कुछ योजनाओं का पहले भी असर देखने को मिल चुका है, जैसे नंबर एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। दरअसल मोदी सरकार ने इस योजना की शुरुआत कोविड-19 के दौर में मार्च 2020 में की थी। इसके माध्यम से देश के 80 करोड़ नागरिकों को हर महीने मुफ्त राशन दिया जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान इस स्कीम को शुरू करके गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया गया था। इस स्कीम को मोदी सरकार के लिए बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है, क्योंकि इसका लाभ सीधे तौर पर बहुत बड़ी आबादी को मिल रहा है। मार्च 2020 में लागू होने के बाद यह योजना लगातार आगे बढ़ाई जा रही है। फिलहाल इस योजना को दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है। नंबर दो, महिला सम्मान बचत पत्र। पिछले साल आम बजट वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार ने महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 योजना की घोषणा की थी। सरकार ने महिला और लड़कियों को वित्तीय सुरक्षा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट पर सरकार जनवरी से मार्च 2024 के लिए 7.5% की दर से ब्याज दे रही है। इसकी मैच्योरिटी 2 साल की होती है। इस योजना के तहत कोई भी महिला अपनी ओर से या किसी नाबालिग बच्चे की ओर से बतौर अभिभावक अकाउंट खुलवा सकती है। इस खाते में कोई भी अकाउंट होल्डर 1,000 रुपये से लेकर 2,00,000 रुपये तक का सालाना जमा करा सकता है। खाता खोलने की तारीख से 1 साल बाद योग्य शेष राशि का 40% निकासी किया जा सकता है। नंबर 3, पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई स्कीम पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को दिए जाने वाले लोन पर सरकार 8% तक सब्सिडी दे रही है। यानी इस योजना के तहत कारीगर 3,00,000 रुपये तक का लोन ले सकता है, वह भी सिर्फ 5% के रियायती ब्याज पर। इस योजना में बड़ई, स्वयंकार, लोहार, राजमिस्त्री, पत्थर की मूर्ति तराशने वाले मूर्तिकार, नाई और नाभिक से जुड़े 18 क्षेत्र शामिल है। सरकार इसके तहत 3,00,000 रुपये तक का कर्ज देगी। शुरुआत में 1,00,000 रुपये का कर्ज दिया जाएगा और 18 महीने तक पेमेंट करने के बाद बेनिफिशियरी अतिरिक्त 2,00,000 रुपये लोन के लिए पात्र होगा। ब्याज दर 5% ही रहेगा। इस योजना में लाभार्थी को 500 रुपये का दैनिक भत्ता देने के साथ 5 दिनों तक कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। नंबर 4, पीएम स्वनिधि योजना। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना शहरी स्ट्रीट वेंडरों के लिए एक माइक्रो लोन स्कीम है, जिसकी शुरुआत 1 जून 2020 को हुई थी और उसका उद्देश्य 50,000 रुपये तक बिना किसी गारंटी के लोन की सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के तहत सबसे पहले 10,000 रुपये का लोन मिलता है, इसके बाद समय से लोन देने पर 20,000 रुपये और फिर 50,000 रुपये तक का लोन लिया जाता है। योजना के अंतर्गत नियमित पुनर्भुगतान को 7% ब्याज सब्सिडी के साथ प्रोत्साहित किया जाता है और डिजिटल लेन देन को प्रतिवर्ष 1,200 रुपये तक के कैशबैक के साथ पुरस्कृत किया जाता है। योजना आधार आधारित EKYC का उपयोग करती है। नंबर 5, पीएम किसान सम्मान निधि। पीएम किसान सम्मान निधि का ऐलान पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले किया गया था। इस योजना के तहत देश के छोटे, लघु और सीमांत किसानों को खेती करने में आर्थिक मदद देने के लिए केंद्र सरकार 1 साल में 6,000 रुपये की सहायता देती है। यह रकम साल में 3 अलग अलग किस्तों में, यानी कि हर 4 महीने पर 2,000 रुपये सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। इस योजना में जमीन, आय के सोर्स और कुछ दूसरे पहलुओं को देखते हुए लाभांशियों की पात्रता तय की जाती है। नंबर 6, आयुष्मान भारत योजना। देश के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने के उद्देश्य से मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना चलाई है। इस स्कीम में आयुष्मान कार्ड धारकों को 5,00,000 रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। दवा की लागत, चिकित्सा आदि का खर्च सरकार वहन करती है। इस योजना के पात्र लोग आयुष्मान कार्ड के जरिए सरकार द्वारा लिस्टेड अस्पतालों में मुफ्त में अपना इलाज करवा सकते हैं। केंद्र सरकार इस योजना के विस्तार के लिए भी आयुष्मान भव अभियान
चला रही है, जिसके तहत पात्र लोगों का आयुष्मान कार्ड बनवाया जा रहा है। नंबर 7, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। यह स्कीम बीमा धारक की डेथ होने की स्थिति में उसके परिवार को 2 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दिलाती है। इसमें सिर्फ 436 रुपये सालाना का प्रीमियम भरकर इस स्कीम का लाभ ले सकता है। इस पॉलिसी को खरीदने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 18 साल जबकि अधिकतम उम्र 55 साल तक तय की गई है। बीमा प्रीमियम खाता धारक के खाते से ऑटो डेबिट किया जाता है। नंबर 8, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। भारत की बड़ी आबादी को सुरक्षित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को साल 2015 में शुरू किया गया था। पहले इसका सालाना प्रीमियम 12 रुपये था, जिसे 1 जून 2022 से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है। इस योजना में आपको 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। अगर आपकी उम्र 18 से 70 साल के बीच है तो आप साल में सिर्फ 20 रुपये देकर 2 लाख तक का कवरेज देने वाली इस सुरक्षा बीमा योजना को खरीद सकते हैं। नंबर 9, अटल पेंशन योजना। यह कमजोर आय वर्ग के लिए गारंटीड पेंशन स्कीम है, जिसमें 18 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र का कोई भी पात्र निवेशक भाग ले सकता है। इस स्कीम के जरिए 60 साल की उम्र के बाद हर महीने अधिकतम 5000 रुपये तक की गारंटी पेंशन का इंतजाम है। पेंशन की राशि आपके निवेश पर निर्भर करती है। भारत का कोई भी नागरिक APY योजना में शामिल हो सकता है। इसके लिए उसका एक बचत बैंक खाता डाकघर बचत बैंक में होना चाहिए। जितना आप हर महीने जमा करेंगे उतनी ही राशि सरकार आपकी ओर से जमा करेगी। नंबर 10, उज्ज्वला योजना। मोदी सरकार ने देश की महिलाओं की ज़िंदगी में बदलाव के उद्देश्य से मई 2016 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत BPL कार्ड धारकों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाता है और सब्सिडी पर 1 साल में 12 सिलेंडर मिलते हैं। सब्सिडी सीधे पात्र लाभांशियों के बैंक खाते में जमा होती है।